बंदूक और बारूद के दम पर तालिबान ने काबुल तो जीत लिया, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान की आवाम का दिल नहीं जीत पाया। तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले जो वादे किए थे अब ठीक उसके उलट काम कर रहा है, जिसकी वजह से अफगानियों में तालिबान को लेकर डर बना हुआ है। यानी अफगानिस्तान की हुकूमत और हालत दोनों बदल गए, ना तो अब पहले जैसी 20 साल वाली आजादी है और ना ही खुली हवा में सांस लेने की मोहलत। महिलाएं ऐसे ही तालिबान के खौफ के साए में जी रही हैं, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा और दफ्तरों में काम करने से रोका भी जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान का तालिबान वाला नासूर अब पाकिस्तान में भी दस्तक देने लगा है। पाकिस्तान में राजनीतिक दलों की कट्टरवादी सोच से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। तालिबानी सोच वाले इमरान खान का जनता विरोध कर रही है। हालांकि जनता के विरोध के बावजूद पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने पर जोर दिया जा रहा है और तालिबान की तर्ज पर सरकार बनाने की सुर भी उठने लगे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की पतन की शुरुआत होगी। शरीयत के कानून लागू होने की आशंका से पाकिस्तान की जनता इमरान के खिलाफ हो गई है। क्या है शरीयत कानून? दरअसल शरीयत कानून को कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसले यानी फतवा को मिलाकर तैयार किया गया है। मुसलमान के दैनिक जीवन के हर पहलू यानी उसे कब क्या करना है और क्या नहीं करना है ये शरीयत कानून तय करता है। और अफगानिस्तान में तालिबान ने शरिया कानून की आड़ में महिला को ना पढ़ने ना नौकरी करने जैसे कानून बनाए थे, जिसमें महिलाओं को पूरा शरीर ढककर रखने का कानून भी शामिल है। वही चोरी जैसे अपराधों पर पत्थर से मारने जैसी सजाएं शामिल हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के विरोध के बाद इस सजा पर पाबंदी लगा दी गई और अगर पाकिस्तान भी शरीयत की राह पर चल निकले तो वहां भी अफगानिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत भी इस्लाम और कट्टरवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। हालांकि अभी भले ही पाकिस्तान हुकूमत और सेना तालिबानी सरकार बनाने पर उछल रही है, लेकिन उनका ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान सोच से आतंकी संगठन अपना दायरा बढ़ाएगा, जिससे आम नागरिकों पर तहरीके तालिबान के हमले की आशंका भी बढ़ेगी। आतंकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ किस हद तक पहुंच गया है इसका सबूत खुद इमरान खान दे चुके हैं। हाल ही में इमरान खान ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर दक्कनी बयान दिया था। महिला उत्पीड़न को कपड़ों से जोड़कर इमरान ने शरीयत के चश्मे से देखा था, जिसका पाकिस्तान की जनता और मानवाधिकार आयोग ने भी विरोध किया था। मानवाधिकार ने इमरान खान को लताड़ लगाते हुए कहा, इमरान सरकार पाकिस्तान की तालिबानीकरण का समर्थन कर रही है, मतलब साफ है कि अगर इमरान खान ने तालिबान के आगे सिर झुकाया तो पाकिस्तान की जनता इमरान को जमीन से उखाड़ फेंकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।